दोस्तों जैसा कि आप ये मॉडल देख पा रहे हो, इसका साइज है 10x40। हमारे एक सब्सक्राइबर तो उनके कहने पर हमने ये मॉडल डिजाइन किया है और ये मॉडल आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिसका साइज मैंने आपको पूरा डिस्कस करके बता रहे वाला हूँ। इसमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर, तीन फ्लोर मैंने यहाँ डिजाइन किए। देखिएगा, बहुत ही प्यारा सा मॉडल है जिसका साइज बहुत ही कम है दोस्तों, 10x40 बहुत ही कम साइज होता है। और इसकी क्या पूरा डिस्कस करेंगे, चौड़ाई की अगर हम बात करें तो बहुत ही कम है, क्योंकि 10 फिट को ज्यादा जगह नहीं होती। तो फुल मैंने मकान यहाँ डिजाइन किया है और बेहतरीन सा पूरा डिजाइन आपको मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में। बने लगातार, मैं हूँ पवन झागड़े और आप देख रहे हैं दोस्तों अपना चैनल। तो दोस्तों स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो लगातार मिलते रहते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट या आपको स्पेसिफिक मॉडल बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपका मॉडल जरूर तैयार करेंगे। तो चलो इस मॉडल को पूरा डिफाइन कर लेते हैं। तो हमेशा के तरीके से सबसे पहले हम इसे करने वाले हैं ट्रांसपेरेंट, और जैसे आप इसको ट्रांसपेरेंट करते हैं तो देखिएगा ये पूरा मॉडल आपको ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा हूहू दिखने वाला है ट्रांसपेरेंसी में। आपको ये मॉडल पूरा दिखेगा, लास्ट से लेकर लास्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर सभी कुछ दिखने वाला है इस मॉडल में, आप देख लीजिएगा। टॉप की अगर बात करें तो टॉप से ये मॉडल ऐसा दिखेगा और फ्रंट से ये मॉडल ऐसा आपको दिखने वाला होता है। तो चलिए इसकी ट्रांसपेरेंसी रिमूव कर लेते हैं और इसके बाद हम इसको डिफाइन करते हैं। तो जैसे हम इसको ओरिजिनल पोजिशन पर लेकर आते हैं तो देखिएगा पूरा डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम इसको ले चलते हैं ग्राउंड फ्लोर पर, और जैसे आप इसके ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं, मैं इसको जूम कर लेता हूं और ग्राउंड फ्लोर देखिएगा आपको फ्रंट से ऐसा दिखने वाला। देखिए फ्रंट से ये आपको मेन डोर है, एक राउंड का आपका विंडो। ये गेट की बात करें, साइज की बात करें तो 3 से 3.25 फिट है अप्रॉक्स आपका ये चौड़ाई है। और ये सिर्फ डिजाइनिंग का पार्ट है दोस्तों, यहाँ पर आप विंडो भी जो लंबा लंबा है दिख रहा है, आप विंडो भी लगवा सकते हैं। और ये छोटा सा मैंने 2 से 2.5 फिट की जगह आगे छोड़ दिया है, आप इसमें बाइक या और कुछ पार्क कर सकते हैं या अपना घास वास जो भी चाहें वो लगा सकते हैं। तो जैसे आप इंटर करते हैं मेन डोर से तो सबसे पहले आपको मिल जाती है स्टेयर्स। देखिएगा दोस्तों ये 6 फिट, ये टोटल जो आपको एक गली दिख रही है ये 4 फिट की है, आप लगभग पौने चार फिट की। और ये जो सीढ़ी 6 फिट इधर गया है और फिर से राउंडेड होकर 6 फिट आ गया, तो 12 फिट में आपका सीढ़ियाँ स्टेयर्स आसानी से चढ़ जाएंगी। अगर यहाँ पर आप ये वाला सीढ़ी ना चढ़ाना चाहें तो आपका जो लोहे का बना होता, आयरन का बना होता राउंड वाला, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है, अगर वो आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका काफ़ी जगह यहाँ पर छूट जाएगा और आपको बाद में उसे इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आप जैसे देखिएगा इस मॉडल के सहायता जैसे इस गली से अंदर आते हो तो सबसे पहले स्टेयर्स, फिर आपको मिल जाती है टॉयलेट, आप जिसमें लेटरिन और बाथरूम जो कि मैंने कंबाइंड कर रखा है क्योंकि जगह बहुत ही कम है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बगल में आपको मिल जाता है एक गेस्ट रूम समझ लीजिए, क्योंकि इसको मैंने ज़्यादा दीवारें इस पर नहीं बनाई, ओपन बनाया है कि एक सोफा आपका पड़ जाए और यहाँ से एक दीवार बना दी, यहाँ से छोटी सी और ओपन रहा है। गेट वेट कुछ नहीं लगाया है क्योंकि बहुत ही कम स्पेस है। तो ये लगभग 10x6, क्योंकि 6 फिट इधर टोटल तो 6 ही फिट बन पाएगा, उधर चौड़ाई आपकी लंबाई की बात करें तो 10 फिट हो जाएगी। तो 10x6 में आप अपना एडजस्ट कर सकते हैं एक रूम। और इसके बाद ये देखिए आपका किचन का एरिया सूटा है, ये देखिएगा किचन। और इस पर मैंने जो लास्ट में एक आपका रूम दिया है, मैंने इस पर एक दिया है आपको मैंने गेट। और ये जो आपको देखिए विंडो दिख रहा है, विंडो क्या आप देखिए किचन के अगर बगल में चाहे तो लगवा भी सकते हैं कि, और नहीं चाहे तो नहीं भी लगवा सकते। अगर देखिए विंडो यहाँ लगवाएंगे तो आपको प्रॉब्लम्स ये हो सकती है किचन का, जो भी खाना जब बनता है तो गर्मी होती है, तो वो गर्मी हो सकता है रूम में जा सके। तो आप पे डिपेंड करता है ये विंडो आप लगवाना चाहते हैं कि नहीं चाहते। फिलहाल मैंने लगाया है और देखिएगा ये पूरा मॉडल हो गया। फ्रंट आपको ऐसा दिखेगा, सबसे पहले स्टेयर्स, फिर आपका लेटरिन एंड बाथरूम, इसके बाद एक या तो ओपन स्पेस रहने दें, आप सोफा डाल सकते हैं डायरेक्टली, ये वाला वाले यहाँ से हटा दें और ये आपका किचन मिल जाएगा। ये आपका एक बेहतरीन सा मिल जाता है विंडो, सॉरी डोर। तो ये डोर हो गया और ये आपका पीछे एक रूम हो जाता है। चलिए अब हम इसके फर्स्ट फ्लोर को डिफाइन कर लेते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर पर जैसे आते हैं स्टेयर्स के माध्यम से, तो जो 2 फिट की मैंने जगह छोड़ी थी वो आपको यहाँ बालकनी का काम करेगा। और मैंने यहाँ पर देखिए रेलिंग लगा दी है आसपास ये। अब इसके बाद फिर से देखिएगा मैंने जो यहाँ पर लेटरिन एंड बाथरूम थी वो मैंने हटा दिया है। तो आपका ये जो लंबा सा रूम नीचे था वो और लंबा हो जाएगा, लेटरिन एंड बाथरूम वाली जगह भी ये कवर कर लेगा। किचन आपकी सेम टू सेम रहेगी, पीछे वाला बेडरूम भी आपका सेम टू सेम रहेगा और आपकी स्टेयर्स भी सेम टू सेम रहने वाली हैं। और सारी चीजें यहाँ पर बिल्कुल दोस्तों सेम है, बस आपका बदला है ये बाथरूम हटाकर वो मैंने रूम में कवर्ड कर दिया है। अगर चाहे तो बाथरूम भी रख सकते हैं। और फ्रंट का एलिवेशन वही है बिल्कुल सेम,
और यहीं पे वो डोर है, इस डोर के माध्यम से आप बालकनी पर आ सकते हैं। ये आपका राउंडेड विंडो है वेंटिलेशन के लिए, और ये भी आपके ग्लासेस लगवा सकते हैं या विंडो का यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका। अब देखिए लास्ट फ्लोर की बात करें तो लास्ट फ्लोर पे फिलहाल कुछ दोस्तों मैंने नहीं ज्यादा डिजाइन किया, जो सिर्फ आपकी स्टेयर्स थी उसी को आसपास से बनाकर और फ्रंट वाला जो डिजाइनिंग का पार्ट था वो बनाकर लीव कर दिया है। तो ये मॉडल 10x40 का मेरे हिसाब से परफेक्ट है। आप कमेंट करके बताएं, अगर वीडियो आपको पसंद आया प्लीज लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ, तथा फेसबुक पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें तथा इस वीडियो को फेसबुक पर भी जरूर शेयर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।